हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज एक ये टोनर है, हम इसको रिफ़िल करना सिखाएंगे कैसे रिफ़िल करते हैं। ये 12 का टोनर है, ये HP में भी डलता है, 10-20 के अंदर कैनन LBP 2900B के अंदर भी डलता है और काफ़ी सारे प्रिंटर्स में डलता है। ये 12A टोनर है, इसको 12A टोनर कहते हैं। एक और नंबर भी है इसका, 103 303 703, ये भी कार्ट्रिज जी नंबर भी है। तो इसको कैसे रिफ़िल करते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक तो इसका ये ड्रम भी हमें चेंज करना है, इसमें लाइनिंग आ रही है, इसका कारण प्रिंट साफ नहीं आता। चलिए करते हैं। पहले तो सबसे पहले इसके स्क्रू खोलेंगे सारे के सारे। ये ऐसे निकल जाता, तो इसको क्या करना है, ये है आपका ड्रम, ये तो चेंज करना बहुत ही आसान है, ऐसे ही चेंज हो जाता है। ये एज इट इज लग जाएगा, जैसे इसको निकाला गया ऐसे ही लग जाएगा। और इसको पैक करना, इसमें से वेस्टिंग निकालना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारी वेस्टिंग देख रहे होंगे आप, इसको निकालना बहुत जरूरी है, इसके कारण प्रिंट साफ नहीं आएगा। वेस्टिंग का हम नॉर्मली यहाँ इसको ऐसे छंडक के ना, किसी भी बॉक्स के अंदर ऐसे छंडक के आप निकाल सकते हैं। तो वैसे हमने वेस्टिंग किसकी निकाल दी है, सारी छंडक के। ये एक स्प्रिंग है यहाँ पे, ये स्प्रिंग बहुत ध्यान से रखना है। इस स्प्रिंग अगर गुम हो गया या ये स्प्रिंग ना लगाया आपने तो प्रिंट साफ नहीं आएगा आपका। ये छोटा सा स्प्रिंग बहुत बड़ा काम करता है, इस पर ये स्प्रिंग है। अब इसका यहाँ से भी हम स्क्रू खोल देते हैं। हमें इसको रिफिल करने के लिए इसका मैग्नेट रोड बाहर निकालना पड़ेगा। ये मैग्नेट रोड है इसका, ये वाला, ये जो रोटेट कर रहा हूँ मैं, इसके लिए हमें ये खोलना पड़ेगा इसको। इसको थोड़ा सा इसमें गैप बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ से गैप बनाना पड़ेगा और ये मैग्नेट रोड आपका बाहर आ गया। इसको आराम से निकालना, अगर आप थोड़ा जोर ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट गया तो ये ख़त्म है मैग्नेट रोड। इसको यहाँ से निकालने के लिए यहाँ से फोर्स मारना, यहाँ होल है एक यहाँ पे, नीचे ये बाहर आ गया हमारा मैग्नेट रोड। ऐसे अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, टूट गया तो ख़त्म है ये मैग्नेट रोड, ये किसी काम का नहीं है, फिर आपको नया लगाना पड़ेगा। ये रहा आपका मैग्नेट रोड। सुनो, अब हमें रिफिल करनी है। इनको रिफिल करने से पहले अच्छे से शेक कर लीजिए। ऐसी एक कीप ले लीजिए, एक कीप आपको मार्केट में मिल जाएगी जो इसके ऊपर ऐसे लग जाती है, डन। अब आप इसको यहाँ से ऐसे डाल, ध्यान से डालिएगा नीचे ना गिरे, इंक में से थोड़ी सी गिर गई है। आप इसको शेक कर लेंगे ना इनको अच्छे से, तो ये बड़ा इजीली से अंदर जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगेंगे डालने के लिए। ये वाटर जैसी हो जाती है जब इसको शेक कर लो अच्छे से, तो हल्की हो जाती है बहुत ज़्यादा। पूरा एक डब्बा इसका ही डल जाता है। ये हो गया आपका रिफिल। अब ये जो मैग्नेट रोड है, इसको लगाने से पहले इसका कट देखना है, इसमें कट है और यहाँ भी एक कट होगा, तो देखना है कहाँ पे है।
ऊपर की साइड को है। सारा सामान हम वापस लगा देंगे। ये हो गया आपका रिफिल। अब हम इसका ड्रम भी चेंज करेंगे। ये न्यू ड्रम है, हम ये न्यू लगाएंगे इसके ऊपर। सारे पेच वापस लगा देंगे, सारे स्क्रू हम वापस अटैच कर देंगे। स्प्रिंग लगाना नहीं भूलना। नहीं लगा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, ये प्रिंट नहीं निकालेगा सर। ये छोटा सा स्प्रिंग बहुत बड़ा काम करता है प्रिंट निकालने के लिए। जी आपका ये रोल कॉर्नर रिफिल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है लैपटॉप कंप्यूटर प्रिंटर से लेकर कुछ भी LED TV तक भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा वीडियोज़ बनाने की।